वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं एक बात करने वाली हूँ जायफल के बारे में, ताकि बच्चों को जो है बहुत ही फायदेमंद है। मैं इसके बारे में ही आज आपको इसका फायदे क्या है, कब यूज कर सकते हैं, कौन से महीने के बच्चों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू कर ही देते हैं। तो चलिए, जायफल एक अगर आपने नहीं देखा हो या अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप ज़रूर गूगल में जाके सर्च कर सकते हो या यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ जायफल कैसा होता है। इस तरह का एक सीड जैसा दिखता है, इसे इंग्लिश में नटमेग भी बोलते हैं। और ये यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी, ये मैं मेरे बच्चे को यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि इस खासकर इस विंटर सीजन में या ठंड के मौसम में ना बच्चों को ये ज़रूर आपके घर में रख लेना ही चाहिए। इस तरह दिखता है, सीड की तरह रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब घट रहता है। तो ये मसाले का एक आइटम है, एक उसका ही कुछ आइटम है ये। तो ये आपको आराम से प्रोविजन स्टोर में मिल जाएगा। तो इसका जो बेनिफिट्स है, ये दिखने में जितना छोटा है घट है, उतना ही इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। ये छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक या बूढ़ों तक भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उतने अनेक इसका यूजेस या बेनिफिट्स है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ बच्चों के लिए, तो ये बच्चों के लिए क्या फ़ायदे हैं, उसके हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ के हिसाब से क्या बेनिफिट्स मिलता है बच्चों को। तो मैं पहले बताऊँ यूजेस इसके बारे में। देखिए, ये आप खासकर सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। ये जितना स्ट्रॉन्ग दिखता है उतना ही स्ट्रॉन्ग इसका पावर है। तो अगर आप बच्चों को यूज़ कर रहे हो, ध्यान में रखना, जितना कम क्वांटिटी में देंगे उतना ही अच्छा। ऐसा मत सोचिए कि इससे देने की वजह से बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा, चलो एक एक चम्मच दे दो या खिला दो, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ये बहुत पावरफुल होता है और ये बहुत गर्मी भी रहता है, तो इसीलिए बोला जाता है जितना कम क्वांटिटी में काफ़ी है बच्चों को शरीर में काम करने के लिए। तो ये कितना क्वांटिटी में देना है, देखिए इसका क्वांटिटी रहना चाहिए 0.5 मिलीग्राम, उतना ही। अगर आप चम्मच लेंगे वो सामने का जो हिस्सा रहता है उतना ही कवर होना चाहिए, उतना ही। अगर मतलब 0 to 3 months के बच्चों को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, बिल्कुल भी देना नहीं है। अगर 3 महीने से ज़्यादा है बच्चा, मतलब उस टाइम का क्वांटिटी रहना चाहिए, जितना आप समझ लीजिएगा, आप कुछ घसे उंगली से ऐसे घसेंगे, जितना यहाँ चिपकता है उतना ही, जस्ट उतना ही माँ के दूध में या फॉर्मुला मिल्क में मिक्स करके पिला सकते हो। देखिए, 3 महीने के ऊपर के बच्चों को, अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है, आराम से एक ज़रा से पानी डाल दीजिएगा, अच्छे से घस दीजिएगा, और चम्मच में जितना सामने पार्ट रहता है चम्मच का उतना ही, मतलब आधे में से आधा 0.5 मिलीग्राम, उतना ही देना चाहिए, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। अगर बच्चा 1 साल का ऊपर है फिर भी उतना ही क्वांटिटी रखिएगा, उसे ज़्यादा मत दीजिएगा। टाइम ये दे सकते हो बच्चों को। आप ये विंटर सीजन में 1 टाइम या 2 टाइम, दिन में नहीं, एटलीस्ट वीकली। अगर बहुत सर्दी खांसी हुआ है बच्चों को तब 2 टाइम दीजिएगा, और 2 दिन में ही ख़त्म कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, बहुत गर्माहट पहुँच जाता है। इसलिए समर्स में भी सर्दी खांसी हुआ है तब आपको 1 ही टाइम देना होगा, और वो भी 0.5 mg से भी कम भी देंगे तो भी अच्छा है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत दीजिएगा। तो ये हुआ कितना क्वांटिटी में देना चाहिए और कौन से एज में बच्चों को ये यूज़ करना चाहिए। अब मैं बताती हूँ इसका यूज़ या बेनिफिट्स क्या है। इस विंटर सीजन में छोटे बच्चों को जल्दी से जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ने का चांसेस रहता है, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी प्रोटेक्ट करने का सोचो, फिर भी
किसी ना किसी का एलर्जी के वजह से या उसका ठंड का वेव यू नो उसका ठंड की हवा के वजह से भी बच्चों को सर्दी पकड़ लेता है। तो इसलिए ये जायफल जो है एक रामबाण की तरह काम करता है। सच में इतना मैजिकल है, इतना पावरफुल है, हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये मैं मेरे खुद के बच्चों को यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं ये यूज़ करती हूँ ऑलरेडी मेरे बच्चों को, और ये हम भी यूज़ करते हैं, खासकर यू नो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, तो इसका अनेक फ़ायदे हैं। तो जब भी बच्चों को सर्दी जुकाम हुआ हो, आप बच्चों को आराम से ये खिला सकते हो, और एज के हिसाब से जितना भी क्वांटिटी मैंने बोला है उतना ही देना चाहिए। अगर समझ लीजिए बच्चे को बुखार है, तब भी आप इसे खिला सकते हो, या बच्चा कुछ चिड़चिड़ हो रहा है, बहुत रो रहा है, तब भी अगर आप ये खिलाएंगे बच्चों को ज़रा सा आराम पहुँचाएगा और बच्चा आराम से रहेगा। अगर सोच लीजिएगा बच्चे को बहुत ज़्यादा यू नो जुकाम हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा बलगम जम गया है, तब भी आप इसे चटाएंगे, तब भी ये काम कर जाएगा। और आता है जब भी बच्चों को डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रहा हो, अगर बच्चों को डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तब भी आप ये खिला दीजिएगा, एक दिन में ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिएगा बहुत छोटा बच्चा है और उसे बहुत ज़्यादा पॉटी हो रहा है, लाइक कलर उसका चेंज हो रहा है, लाइक ग्रीनिश के टाइप में, यूजुअली पेरेंट्स तो यू नो परेशान हो ही रहते हैं, तो आपको दूसरे मेडिसिन को ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, बस इसे चटा दीजिए, ज़रा सा चुटकी पानी डाल दीजिए और इसे अच्छे से घस लीजिएगा, उसका जो रस निकल के आता है, जस्ट ऐसे फिंगर से रब कर लीजिए जितना माँ के दूध में मिला के या फॉर्मूला मिल्क में मिला दीजिए और उसे पिला दीजिएगा अगर बहुत छोटा बच्चा है। अदरवाइज 3 महीने से लेके 5 मंथ्स का बच्चे जो रहते हैं, अगर आपको देना है, आप भला है इसमें हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए एक बार और उसके बाद ही दीजिए। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत गर्माहट पहुंचाता है, इसके वजह से बोला जाता है कि छोटे से छोटे बच्चे यानी कि 6 महीने के अंदर के बच्चों को नहीं देना चाहिए। अदरवाइज ये सेफ है, बहुत कम क्वांटिटी में अगर आप यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत की प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम आप भी फेस नहीं करेंगे या बच्चा फेस करेगा। जितना क्वांटिटी बताया जा रहा है उतना ही आपको यूज़ करना है। तो अगर बच्चे को डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रहा है तब भी आप इसे खिला सकते हो। अगर बच्चे को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा हो या बच्चों को पेट में अच्छे से मरोड़ रहा है या बच्चा बहुत चिड़चिड़ हो रहा है, पेट के दर्द से रो रहा है, तब भी आप ये जायफल को खिला सकते हो। अगर मान लीजिए बच्चा ठीक से नहीं सो रहा है, उसे ठीक से सोने नहीं हो रहा, क्योंकि उसे शायद जितने भी प्रॉब्लम्स हो, शायद वो सर्दी जुकाम से हो, बुखार हो, तब भी आप इसे चटा सकते हो। ये बच्चों को अच्छा नींद भी दिला देता है, साथ ही साथ जितने भी प्रॉब्लम्स बच्चों का शरीर में होता रहता है उस टाइम में वो भी क्लियर कर देता है। ये एक अच्छा रामबाण मेडिसिन जैसे मैंने बोला है वैसा ये काम करता है। तो इसे ज़रूर रख के घर में रख लीजिएगा, बहुत ही काम कर ही देता है ये जायफल। तो ज़रूर इसे यूज़ करने के बाद मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। मैंने ऑलरेडी सर्दी जुकाम नो होम रेमेडीज़ का जो यूज़ कर सकते हैं ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, उन वीडियोस को भी आपको हेल्पफुल ज़रूर होगा। जितने भी अगर मैं अडल्ट की बात करूँ ये हेयर प्रॉब्लम से लेकर पेट की जितने भी समस्या हो वो कुछ भी हो, ये जायफल जो है उसे ठीक कर देता है, लेकिन इसका यूज़ करने का विधि अलग रहता है, तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा अगर मैं यही कवर कर दूं और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो चलिए, जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है मैंने खुद मेरे बच्चों को यूज़ किया हुआ है और हम भी यूज़ करते हैं, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा और यूज़फुल भी हुआ होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा आपके फैमिली और फ्रेंड्स को, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे जाके इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।